आप बड़े विद्वान आदमी हो, पानी पी रहे हो, क्या कर रहे हैं? पानी पीना मना, विधा परमिशन नहीं पी सकता पानी। अच्छा साहब, ये मना नियमों में। साहब क्या पूछ के पड़ा पड़ेगा? नियमों में अध्यक्ष महोदय की परमिशन से। तो मरूंगा क्या? हमको नहीं पता क्या होना, आपका वो तो आप जानो। या मुख्यमंत्री पितर सुना था तो चार बार पीता है, दारू पी रहा हूँ या पानी पी रहा हूँ? टाइम हो गया तो पियोगे, मैं क्या करूँ? क्या पता क्या? अच्छा जांच करो। अब वित्त मंत्री दोनों बन गए, लेकिन अभी होश में आए नहीं। इनको अभी मालूम नहीं है, ये दीवारों में चढ़ के हवा लगाने वाले हैं, इनको मालूम नहीं हम क्या बन गए। तुम मंत्री बन गए, राजस्थान तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है कि मेरा मंत्री क्या बोलेगा। आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो ले लो, चाहिए तो ले लो, नहीं चाहिए तो छोड़ दो, मैं तुम्हारी जेब में छोड़ डाल रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात, सदियों बाद उतरे गहरे पानी में वतन की प्यास बुझा के रहेंगे, जो सिर झुके नहीं झुका गए थे उन सिरों को ऊंचा उठा के रहेंगे, जाति और धर्म का जो जहर फैला जहर को मिटा के रहेंगे, जिन घरों में सदियों से अंधेरा चला वहां चिराग जला के रहेंगे। मीठी आवाज नहीं है, कड़वा होता है, मीठा होता है, जो जहर खाता है वो तो मरता है, लेकिन कड़वी चीज खाता है वो हमेशा जिंदा भी रहता है। मेरा टाइम आधे घंटे का आपने कहा था। आप गांव का विकास, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, पहली बार आए हो, दोबारा आएगा बताऊंगा। आक्रमण करने के लिए नहीं आए हो, 7,35,00,000 जनता की बात को यहां पटल पर रखने के लिए आए हो। अरे छात्र, आप एक बात आओ, माननीय सभापति महोदय इनकी जबान पे लगाम लगाइए, आधे घंटे बढ़ाए है ना। माननीय सभापति महोदय, सदन के ही सहमति से समय आधा घंटा बढ़ाए, श्रीमान श्रवण कुमार सामान। माननीय सभापति महोदय, आज महामहिम राज्यपाल के भाषण भव्य भाषण पे बोलने का मुझे मौका मिला और सुनने का मौका भी मिला। काफ़ी लोग केवल राजस्थान की पृष्ठभूमि को तो याद नहीं कर रहे हैं, सुबह से एक ही बात सुन रहे हैं, अयोध्या और दिल्ली के मोदी जी। आप क्या करोगे ये बता दो। मोदी जी जो कर रहे हैं उसकी मुखा नहीं करना, जो सदन में सदस्य नहीं होता उसकी चर्चा नहीं की जाती। तो प्रधानमंत्री आप यह चर्चा करोगे? आप अपने मुख्यमंत्री जी चर्चा करिए, अपने मंत्री को करिए। आपने आपको मालूम है जो आपको टर्निंग नहीं दी गई है, आपको मंगलवार को केवल यह कहा जाता है कि जब कांग्रेस वाले बोले तो खड़े हो जाना, और कोई टर्निंग नहीं तुम्हारी। मंगलवार को इनकी 10 बजे से 11 बजे तक मीटिंग होती है, उसमें यह कहा जाता है कि कांग्रेस का कोई भी बोले तो आक्रमण करना। आक्रमण करने के लिए नहीं आए हो, 7,35,00,000 जनता की बात को यहाँ पटल पर रखने के लिए आए हो। कहाँ दे रहे हो आप? पता नहीं कितने लोग यहाँ आके चले गए और कितने आधे, कभी कभी आप इधर आ जाते हो, कभी वो इधर आ जाते। इस बात की चर्चा मैं नहीं करूँगा, कर रहे हैं इस बात की चर्चा मैं नहीं करूँगा। कौन राज कर रहा है? मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ, मैं 7,35,00,000 जनता की बात कर रहा हूँ। कौन लोग इधर बैठे हैं, कौन लोग इधर बैठे हैं? दोबारा जीत क्या हो, बात सुनेंगे, बैठ जाओ। दोबारा जीत क्या हो, बात सुनेंगे अभी अपना। दोबारा जीत क्या हो, बात सुनेंगे, बहुत दिन लंबे पड़े, अभी सुन लो। अभी दोबारा आओगे ना जब बात सुनेंगे, अब तो सुनो, लोगों की सुनो। मैं कहना चाह रहा हूँ कि 7,35,00,000 जनता की बात सुनने के लिए हम लोग यहाँ भेजा है। आप लोगों को किसी ने भेजा है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, धूड़ा राम क्या कर रहा है, मोला राम क्या कर रहा है? तुम्हारी बात ये नहीं, हमारे सदन में ये है कि जनता का हित कैसे हो। हम चाहते हैं आपकी सरकार, जून सरकार 15 तारीख को जनराज ने सब समारोह शुरू किया, सारे लोगों ने खूब ताड़ियाँ बजाई, 20 तारीख को एक बड़ी आदेश निकाला कि जी पूर्ववर्ती सरकार ने पानी बिजली सड़क जो भी काम किए बंद किए जाते हैं। जो भी सरकार पूर्व में कांग्रेस सरकार थी, एक भी काम बंद नहीं किया। आप कह रहे हो समीक्षा करेंगे, समीक्षा कितने दिन में करोगे? आपको मालूम है हवा और पानी दो महती आवश्यकताएं, आपने पानी को बंद कर दिया। पानी का जो कुएं मंजूर कर दिए गए थे, सरकार ने आदेश कर दिया था ठेकेदारों को, वर्क ऑर्डर कर दिया था, पाइप के वर्क ऑर्डर कर दिए थे, आपने सारे काम बंद कर दिए। ये इतना आपके भी है, मेरे भी है,
आप यहाँ केवल इसलिए नहीं आए हो कि मुख्यमंत्री जी को खुश करने के लिए, प्रधानमंत्री जी को खुश करने, आप अपनी जनता गांव के 70% लोगों को खुश करने के लिए आए हो। आपको मालूम है आज राजस्थान की पृष्ठभूमि पे कहते हैं मोदी जी का आदेश आया है जयपुर कोटा जोधपुर और उदयपुर को आदर्श शहर बनाएंगे, बड़ी सिटी बनाएंगे। आपने कभी सोचा कि गांव के जो गरीब लोग झोंपड़ी खेत और खलिहान वालों से आप वोट लेके आए हो, 70% लोग गांव में रहते हैं। आपने कभी सोचा क्या आज गांव में पानी भरा हुआ गंदा, पीने के लिए पानी नहीं है, घूमने के लिए सड़कें नहीं, और शहर में आप फिर आप कहते हो शहर का विकास करेंगे। शहर का क्यों करोगे, शहर में तो अंग्रेजों के टाइम में भी था, गाँव का विकास क्यों नहीं करते हो? आप गाँव का विकास करिए, आप गाँव का विकास। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, पहली बार आए हो दोबारा आएगा बताऊंगा, बैठ जाओ। पहली बार आए हो, मैं पहली बार आज मैं ये कहता था कि हमारी जनता का भला करने के लिए आया हूँ, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, पहली बार आए दूसरी बार भी आओगे। पर आपने कभी सोचा क्या कि गांव की जनता 70% गाँव में रहती है गरीब लोग, और आज शहरों में रहते हैं 30% सूट वाले। सूट वालों के पास तो JDA भी है, नगर निगम भी है, हमारे गाँव के अंदर पंचायत है, पंचायत का पैसा गए आपको 6 महीने हो गए, पैसा एक भी नहीं है, गले में डोरी लगाने के लिए आपने आदेश नहीं दे रखा। गांव में मैं गया था 3 दिन पहले, गांव के लोग पानी के लिए प्यासे मर रहे हैं, आपने जो एक बार सुनिए सुनिए, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सुनने के लिए आए हो या शोर मचाने के लिए आए हो? बैठिए, नए नए आए हो, नए खिलाड़ी हो, खेलोगे क्या? खेलो तो बैठो, सुनो पहले, सुन लिया सुन लिया। आप मंत्री हो, आप मंत्री हो, मंत्री हो, आप होश में नहीं हो क्या? मंत्री हो आप, पहले वाले नहीं, मंत्री हो आप अभिभाषण पर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, गाँव में आपने हॉस्पिटल खोल दिया हमारे अशोक जी ने, गाँव में हॉस्पिटल तो, अरे शांत्रे आप एक बात आओ, माननीय सभापति महोदय इनकी जबान पे लगाम लगाइए, आप बोलिए, आप पहली बार कुर्सी बैठे हो तो ये भी कहिए कि सदन का काम, सदन को चलाने का काम इनका हमारा नहीं, हम तो शोर में मचाएंगे, इनको सदन को हाउस को कंट्रोल में रखिए। आप क्या है, आप खड़े नए नए आए 70-72 खड़े हो जाते हैं साइज में, इनको कहो दोबारा जीत जाएंगे, खूब बोलने का मौका मिलेगा, बैठाओ इनको। मैं ये कहना चाहता हूँ 30% जनता शहरों में रहती है, और शहरों की जनता के लिए आज भी 11 गुना बजट पास होता है, और गांव की जनता के लिए 2% बजट पास होता है। ये कभी सोचा क्या आपने, जिस झोंपड़ी में टपटपाती बगैर बिजली के अंदर झोंपड़ी में चिमनी के अंदर बैठा था, और वो बाबा तुमको वोट दे के भेजा है, तुम पहले कभी आए थे क्या? और आए थे ना, जिन्होंने सेवा नहीं की है वो दोबारा नहीं आए, तो बाबा की सेवा करने के लिए हमें चाहिए कि 70% जनता का विश्वास जीतने के लिए हमें गाँव की सेवा करनी पड़ेगी। आप देखिए हमारे महामहिम ने बहुत सारी बातें कही कि सरकार ने ये किया, महामहिम ने क्या कहा, कागज लिख के दे दिया और पढ़ के चले गए, क्योंकि पहले वाले महामहिम तो पढ़ते ही नहीं थे। मैं कल्ला साहब को धन्यवाद दूंगा, इन्हें पढ़ा तो सही, वो तो कह देते थे पढ़ावा लिया मान लिया जाए, तो इसके लिए मैं कल्ला साहब को धन्यवाद दूंगा, पढ़ने नहीं देते थे वो पढ़ावा मान के चले जाते थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आज हमारे गाँव में हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर 2 बजे तक डॉक्टर रहता है, माननीय सभापति महोदय सुनिए आप, 2 बजे के बाद में डॉक्टर शहर में चला जाता है, कब से सभी, मैं इनको धन्यवाद दे रहा हूँ क्या, सभी की बात कर रहा हूँ ना, इन्होंने भी नहीं कर कंट्रोल पे। आप देखिए हिंदुस्तान का भला, आप देखिए हिंदुस्तान का भला तब नहीं होगा, कोई नहीं बोलेगा। सदस्य माँ महीने कहा कि 365 और दाले खोलेंगे, और दाले मत खोलिए आप, हॉस्पिटल मत खोलिए आप, लेकिन मैं कहता हूँ वो काम करिए, जनता को सबसे बड़ा जीवन दान है खाद्य पदार्थ मिलावट करने वाले की सजाएं मौत होनी चाहिए। दो बातें, दूसरी बात यह है जब तक इस राजस्थान का भला नहीं होगा, क्वालिटी और क्वांटिटी में अंतर होगा तब तक इस राजस्थान का भला नहीं हो सकता। तीसरा यह है ऊपर देना है नीचे देना है, यह जब तक बन नहीं होगा तब तक कभी भला नहीं हो सकता, आप राज करें चाहे हम करें। इसमें सबसे जरूरी है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगेगा, तो चाहे कोई मुख्यमंत्री बने, कोई CM बने, कोई मंत्री बने, मंत्री को यह रहता है कि मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमाने के लिए आया तो सिलीगुड़ी जाता नहीं, यहाँ क्यों आया है? तेरे को पैसा ही कमाना तो सिलीगुड़ी जाता, मद्रास जाता, दुबई जाता। हमें वह कह रहा हूँ जो राजस्थान की धरती पे राजनीति करता है और भ्रष्टाचारी करता है उससे बड़ा देशद्रोही कोई हो नहीं सकता, मैं आज भी कहता हूँ। और मंत्री को सुन लेना चाहिए, अगर मंत्री काम ढंग से नहीं करेंगे तो ऐसे झाड़ेंगे हम तो, और अगर हम चोरी करते हैं पकड़िए ना, आपके सरकार है पकड़िए हमको, लेकिन आपने
क्या करोगे, क्या करोगे, बोले बैठे बैठे बोलोगे, बैठे बोलोगे तो पाप लगेगा, खड़े होकर बोलो। मैं कहना चाहता हूँ राजस्थान की धरती पे कोई व्यक्ति का सोच नहीं है कि मैं किसी का भला करूँ, सब लोग अपने भला करने में लगे हुए हैं। देखिए गाँव का 70% जनता का डॉक्टर शहर में जाके सोता है, कंपाउंडर शहर में जाके सोता है, नर्स शहर में जाके सोती है, पशु का डॉक्टर शहर में। अगर रात को हमारे किसी घर में डिलीवरी हो गई तो डॉक्टर के घर में जाएंगे तो डॉक्टर 4 घंटा तक अपना घर नहीं खोलेगा। ये आपने कभी सोचा क्या, कभी किसी का ध्यान आया क्या? और MLA भी शहर में आके सोते हैं, हम तो गांव में रहते हैं, आज भी चिंता ना करो, गांव में रह रहे हैं, हम तो गांव में रहते हैं। लेकिन आप देखिए जब ये सोच नहीं बदलेगा, चाहे आपका हो चाहे मेरा हो, जो इस कुर्सी बैठा है, मैं बात कर रहा हूँ चेयर से, मैन से नहीं कर रहा हूँ, मैन चला जाएगा चेयर ही रहेंगे। पता नहीं कितने लोग आज आए कितने चले गए, हम भी 6 बार आ गए, क्या धरती की रोटी कर ली कुछ नहीं किया, एक बार चले भी गए। लेकिन मैंने सोचा है जो व्यक्ति राजस्थान का सोच पॉजिटिव बदलेगा, पानी का, चिकित्सा का, शिक्षा का, सड़क का, सब सोच अगर पॉजिटिव होगा तो राजस्थान का भला अपने आप हो जाएगा। आप देखिए अभी माँ मेम जी ने बहुत सारी बातें की, मैंने पढ़ी, माँ मेम की कोई गलती नहीं है, वो तो लिख के देंगे तो बोल देगा। सबसे बड़ी गलती इस समय किसी होगी तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी की होगी। मैंने 4 दिन पहले भी कहा था कि भजन लाल जी आपने पानी का, सड़कों का सब कार्य बंद कर दिया, उनका समीक्षा हो रही है, समीक्षा भी करवाते रहे पर पानी की समीक्षा नहीं होनी चाहिए, पानी के जो काम है वो चालू कर देना चाहिए। ये मेरी आपसे विनती है, आप लोग चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अब कैसे नहीं हो, भजन लाल जी तुम्हें घर से नहीं निकालोगे, यहाँ नहीं निकालोगे, 5 आपको सुन के भेजा 5 साल के लिए, विश्वास तुम्हारा आएगा नहीं, सच्चाई बोलते रहो, ये मन इच्छा है तुम्हारी? पानी पे जो स्टे दे रखा हो टूटे बात सही है क्या? अब कैसे नहीं बोल रहे हो, अब कैसे नहीं बोल रहे हो? तुम्हारा 5 साल तक तुम्हें कोई स्टे नहीं आएगा, तुम्हारे पे कोई तुम्हारा विश्वास नहीं आएगा। इनसे जवाब चाहिए क्या माननीय सदस्य? आप तो अपनी बात को रखें, मैं इनको कह रहा हूँ ना, इनसे जवाब चाहिए क्या आपको? कह रहा हूँ इनको तकलीफ हो रही थी, आपको माननीय सदस्य से जवाब चाहिए। आपका जो आप जो बोल रहे हैं, 1 सेकंड बिराज, आप जो बहस में जो 1 सेकंड बिराज, माननीय सदस्य आप जो बहस में कर रहे हैं वो यहाँ अंकित भी हो रहा है और वो बहस आपके द्वारा आपके रिकॉर्डिंग्स पे और आपके लाइव पे यूट्यूब के द्वारा जा भी रही, ये सीधे सीधे अपने क्षेत्र की जनता देख रही है। तो मेरा निवेदन ये है कि अपन आपस में बात न करके अच्छी से अच्छी बात जो खड़े होते हैं उनको भी और आपसे भी निवेदन है, दोनों से निवेदन है, मैं आपके लिए नहीं कह रहा उनके लिए भी नहीं कह रहा। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप जो है जो भी विषय रखें वो कृपया करके जनता जनार्दन की जो है उनकी ये रखें। जनता जनार्दन की बात तो कर रहा हूँ, जनता जनार्दन की बात को मेरे घर में मैंने कब कहा मेरे भाई एक ट्रक क्यों का भेजो, मैंने कहा है क्या? कितना करें, मैं जनता की बात कर रहा हूँ। आप देखिए थोड़ी देर पहले हमारे मिल साहब बोल रहे थे कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने हमारे किसान का बेटा मिलिट्री में सबसे ज्यादा भर्ती होता है उसको 4 साल का कर दिया, चिलकतरा बना के घर भेज दिया, क्या है ये, क्यों नहीं सोचो? अब अगर तुम जाकर गांव के लोगों को पूछोगे कि विधानसभा से आए हैं और ये कह के मोदी जी ने बहुत काम किया तो तुम्हारा कितनी इज्जत करेंगे मालूम है क्या? 4 साल के बच्चे को नौकरी करवा के चिलकतरा बना के भेज देंगे, न उसकी शादी होगी, न वो कमाने लायक रहेगा, वो पिस्टल लेकर गुंडागर्दी करेगा। देश का सबसे बड़ा विनाश तो ये हुआ जो युवाओं के मिलिट्री के साथ कुराघात किया, कुठाराघात मिलिट्री के साथ किया मोदी जी ने किया ना। 2 दिन से बात कर रहे हैं, मंदिर की बातें कर रहे हैं, मंदिर के सुनडिया ना, हम धर्म को मानते हैं, आपसे छोटे नहीं धर्म मानने में, ज्यादा तुम्हारी उम्र से ज्यादा हम धर्म को मानते हैं। ये कब से आ गया गले में मीट खा के, हर गले में हड्डी डाल लेंगे तो अच्छा मीट खाने वाला मालूम होगा क्या? मान लिया तुमको, तुम बहुत अच्छे धर्म को मानने वाले हो। ये तो है लला को देखेंगे, लला जिम रहे, लला जा रहे, तुमने लला को भी तो बेशर्म कर दिया, अधूरे मंदिर में तुमने ताज चढ़ाई नहीं उसके ऊपर और तुमने लला को देख दिया। चुनाव का स्टैंड को न मान के जनता का हित कहाँ होता, बकरिया चुनाव कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन आता है, कौन चला जाता है, देश में कितने सालों से लोग जीत रहे हैं हार रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये हार जीत का सौदा नहीं है, ये सौदा इस बात का है कि देश का भला कैसे हो। मोदी जी की बातें कर रहे हो, थोड़ी देर पर कह रहे हो भजन लाल जी और मोदी जी एक जैसे नहीं, भजन लाल जी, मोदी जी। मोदी जी के पूरा इतिहास पढ़ोगे तो मोदी जी का मालूम हो जाएगा, भजन लाल जी तो नया आदमी, क्या इतिहास पढ़े तो तुम मोदी जी को उनको बराबर क्यों मान रहे हो? हम तो एक बात कहते हैं, मोदी जी अलग चीज़ है और भजन लाल जी अलग चीज़ है। आप क्या हो,
अपना गरेबान झाड़ के आप अपना काम करना सीखो। मैं इतना ही कहना चाहता सभापति महोदय कि सुबह से दुनिया भर की बातें कर रहे थे, मंदिर की बात कर रहे थे, मोदी जी की बात कर रहे हो, तुम क्या हो? तुम किसी के पैरासाइटिक बन के जीना चाहते हो? पैरासाइटिक आदमी जी मन जीना चाहता है, उसको जीना क्या है? सुनिए सुनिए बेनीवाल जी, बैठिए। तकलीफें देने सहने की आदत नहीं, तूफानों से उसको टकराने की जरूरत नहीं। जो लोग जिया करते दूसरों के सहारे, उसको जमाने की जरूरत नहीं। आप सुनो, तकलीफें देने सहने की आदत नहीं, तूफानों से उसको टकराने की जरूरत नहीं। जो लोग जिया करते दूसरों के सहारे, उसे जमाने की जरूरत नहीं। अब जमाना पैदा करते हैं, कांग्रेस ने हमेशा ऐसा जमाना पैदा किया। ये 150 साल पुरानी पार्टी हो तुम, कल के अब लाइन पे आ रहे हो पर समझ हो जाए, ये क्या करना चाहते हैं? बीच में क्या है साहब, आप लापी लाइन पे आ रहे हो। पानी है, आप लोग खड़े हो रहे हो, आप लोग खड़े हो रहे हो जी, जेल जाने वाले हो। जेल जाने वाले, ये परंपराओं के विरुद्ध है, ये परंपरा नहीं। आप देखिए परंपराओं के विरुद्ध है, हाउस में किसी तरह का नियम और परंपराओं के विरुद्ध है। आप बड़े विद्वान आदमी हो, पानी पी रहे हो, क्या कर रहे हैं? पानी पीना मना, विधा परमिशन नहीं पी सकते पानी। अच्छा साहब, ये मना नियमों में, साहब के पूछ के पड़ना पड़ेगा नियमों में, अध्यक्ष महोदय की परमिशन से। तो मरूंगा क्या? हमको नहीं पता क्या होना आपका, वो तो आप जानो। या मुख्यमंत्री बजट सुनाता तो 4 बार पीता है, और आपका बजट आएगा 8 तारीख को आपकी वित्त विषय वो विषय मंत्री पिएगी। क्या बात करते हो, छोटी बातों में लग गए, बड़ा काम करो, बड़ा दिल रखो ना। पानी पी रहे हैं, दारू पी रहा हूँ, बोलो अभिभाषण पे। मैं दारू पी रहा हूँ क्या, पानी पी रहा हूँ, टाइम हो गया तो पियोगे, मैं क्या करूँ? खून तो नहीं पी रहा कैसे, क्या पता क्या? अच्छा जांच करो। अब वित्त मंत्री दोनों बन गए, लेकिन अभी होश में आए नहीं, इनको अभी मालूम नहीं है। ये दीवारों में चढ़ के आवाज लगाने वाले हैं, इनको मालूम नहीं हम क्या बन गए। तुम मंत्री बन गए, राजस्थान तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा कि मेरा मंत्री क्या बोलेगा, और तुम अभी समझ पाए नहीं हो। आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो ले लो, चाहिए तो ले लो, नहीं चाहिए तो छोड़ दो, मैं तुम्हारी जेब में तो डाल रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात अच्छी लगे तो ले लो, नहीं जेब में डाल के छोड़ दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप बिराइए माने सदस्य, माने सभापति महोदय, आप बहस करिए। माननीय महामहिम के अभिभाषण पे बोलिए आप। महामहिम के भाषण पे बोलना शुरू करता हूँ तो तकलीफ शुरू हो जाती है। तकलीफ क्यों उठा रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ, राजस्थान की आज़ादी के बाद कभी किसी ने सोचा क्या कि गांव का डॉक्टर शहर में जाके सोता है, गांव का कंपाउंडर शहर में जाके सोता है? फिर आप ये कहोगे तुमने क्या किया, हमने हमारे कर्म किए थे, इधर आ गए ना, मना कब कर रहे आप, हम आ गए ना, तुम भी इधर आना चाहते हो क्या? अभी आज ये कह रहा था कि सरकार, जनता ने बहुत बड़ा मैंडेट दिया, जनता ने दिया ना, इन्होंने गड़बड़ की, जब तुम्हें दिया ना, तुम क्या चाहते हो? तुम नहीं करना चाहते हो, हमारा और दर्शन की तरह करोगे क्या? तुम यही करोगे क्या? फिर तुम इधर आ जाओगे? ऐसा कर्म करो, ऐसा कर्म कर बंधु, कागर कर्म ऐसे कर पहचान बन जाए, कर्म ऐसे कर पहचान बन जाए, कदम ऐसे कर निशान बन जाए। यूं तो सभी लोग जिंदगी जीते, जिंदगी ऐसी जी कि मिसाल बन जाए, ऐसा बनो। तो जीना सीखो ना, हमारा तो एक मिशन था, हमारा मिशन था, हमने किया, हमने पानी के लिए बहुत कुछ किया, तुम्हें दिख नहीं रहा है। सदियों बाद उतरे गहरे पानी में, वतन की प्यास बुझा के रहेंगे, जो सिर झुके नहीं झुका गए थे उन सिरों को ऊंचा उठा के रहेंगे, जाति और धर्म का जो जहर फैला जहर को मिटा के रहेंगे, जिन घरों में सदियों से अंधेरा चला वहां चिराग जला के रहेंगे। हमारा ये मिशन लेके हम चले थे, पर जनता ने नहीं सोचा, जनता खुद अपने आप पछताएगी। 5 साल में तुम जब चल रहे हो ना, सबूत का पग पालने दिख जा, जो अब तुम चल रहे हो ना, अगर ऐसे चलते रहे कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं करोगे। तुम मिनट में सफर स्टे कर दिया, पानी पे कर दिया, सड़क पे कर दिया, शिक्षा कर दिया। तुम्हें लोगों को जवाब देना है, केवल 5 साल की तनख्वाह उठाने के लिए नहीं आए हो, तुम्हें जनता को जवाब देना है, और जवाब तभी दे पाओगे जब तुम कुछ करोगे। और अपने मंत्रियों को तुम इंडिकेट करोगे, तुम्हारे मुख्यमंत्री नया आदमी है, उसको मैं कुछ नहीं कहूँगा। क्यों नहीं कहूँगा? नया आदमी है, नए व्यक्ति को मालूम नहीं होता कि बम्बई कहाँ, कलकत्ता कहाँ, मद्रास कहाँ।
ये अभी कलकत्ता मद्रास तीन चार पर जाएंगे, दो तीन पर बनेंगे, जब मद्रास देखेंगे। इसलिए मैं आपको इतना कर जाता हूँ, आप समझदार आदमी हो, तो आपको इसलिए संसदीय मंत्री बनाया है कि आप इनको समझाया करो। सुबह में अध्यक्ष जी बोल रहे थे खड़े हो, ये ही नहीं मालूम किसके पास कौन सा डिपार्टमेंट है, वो उसके मुँह इधर उठा, वो ऐसे नहीं चलेगा। विपक्ष ये अभिभाषण पे बोल रहे हैं क्या आप? कैसे मेरा निवेदन डिस्पैच के जाए, आप अभिभाषण पे बोल रहे हैं क्या? आप सुबह मंदिर पे बोल रहे थे भाषण था क्या? अभिभाषण था क्या? सुबह मोदी के ऊपर बोल रहे थे अभिभाषण था क्या? ये कौन से अभिभाषण पे बोल रहे हैं? हम कह रहे वो तो रासलीला, और तुम कह रहे हो अभिभाषण पे बोलिए। अब मां में राज्यपाल जी का अभिभाषण पे बोलिए, सभापति बोलते हैं बोले वो तो राशन पे तो बोल रहे हैं, रासलीला बातें कर रहे हैं, बोले वो रामलीला मजाक कर रहे हैं। आप राजे माननीय सदस्य, मैं तो मेरा टाइम नहीं है, अभी आधे घंटे का टाइम है। आप राजे मेरा टाइम आधे घंटे का, आपने कहा था बात, मैं आधे घंटा बोलूंगा, आधे घंटा मेरा टाइम था। माननीय संसदीय मंत्री जी आपको मैं इंडिकेट इधर कर रहा हूँ, आप तो नजर मेरी ले लेते हो इधर, आप इधर देखे माननीय महोदय, मेरी नजर आप खेत लेते हो, मैं तो इधर ही बोल रहा हूँ। मैं संबोधित चेयर को कर रहा हूँ, नॉट टू यू, बट व्हाट डू यू वांट? आप इधर देखे माननीय सदस्य बोले आप, मैं ये कहना चाहता हूँ सभापति महोदय, इनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इनको सुझाव नए नए आदमियों को दे रहा हूँ, लेना चाहिए। ये मीठी आवाज नहीं है, कड़वा होता है मीठा होता है, जो जहर खाता है वो तो मरता है, लेकिन कड़वी चीज खाता है वो हमेशा जिंदा भी रहता है। इनको गुड़ मत खिलाओ, गुड़ खिलाओगे तो इनको मुंह खराब हो जाएगा। मैं इनको कड़वी बात कह रहा हूँ, राजस्थान की फर्स्ट वूमन फिर दोबारा आना है, एमएलए बनना है, तो चाहे मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे हम लोग हो, कड़वी बात कहिए और सत्य साथ दूर। जो लोग झूठ बोलते हैं, जो आश्वासन देते हैं, जो लोग लोगों को धोखा देते हैं और उनकी गैरजुमाराना भुगते हैं, वो कभी दोबारा जीत के नहीं आते। ये जनता बहुत समझदार है, तुम जैसे बोल नहीं सकती, जनता किसको बोले? हमने भी कोई गलती की है तो हमको दंड दिया। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आपको इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग राजस्थान की जनता का भला चाहते हो तो मोदी जी को चिट्ठी लिखो कि 4 साल वाली फौज बंद कर दे, कॉन्क्लूड करे, और एक मुख्यमंत्री जी को कहो कि जिन लोगों ने आपने जो स्टे कर रखा है सड़क बिजली पानी चिकित्सा शिक्षा, वो स्टे हटाए और राजस्थान की जनता को नया आयाम दे और नया मुख्यमंत्री बने हो, नई सरकार बनी है, नए काम का लोगों को सोच भी बदले और अच्छे काम करके राजस्थान में वाई वाई कमाए। यही मेरी विनती है, हमारे संसदीय मंत्री जी को मेरे लिए बड़ी पीड़ा हो रही है। धन्यवाद।